शंबो शंबो तेरा खाना खराब होवे क्यों मेरे कबूतरां दे पीछे पै गई है ओ की चाउंडी है तू तेरा खाना खराब होवे मौत आवे तेनू बांदर दे मुंह आलिया मैं कदों उड़ाए ने तेरे कबूतर मैं कदों उड़ाए ने तेरे कबूतर जदों तू मेरे कबूतर उड़ाए ने ना ए काला सिया चप कबूतर मेनू चंगा भला वेख के गूकदा सी जदों दी तू बड़ी है ओ तेनू वेख के उठदा ही नहीं सारी रात रात को गुटकू लई रख दे तू मैं भी दादी नु शिकायत लावांगी हां कि तू मेनू अखा मारना है शम्मो ठहर जावा मैं ते तेरा भरा वा झूठ मारना है तू मेनू अख मारिए मैं दादी नु जाके दसांगी मेरी गल ते सुन शम्मो 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 मेरी गल ते सुन दादी अम्मा नी की होया दादी अम्मा मैं ना तेनू बख्तू दी शिकायत लाउण आई हां दादी अम्मा एदी कोई गल ना सुन ला ए तुहानू ते पता है जेड़ी शमो दी बच्ची नी दादी अम्मा ए हर वेले मेरे कबूतरां दे पिछे पई रहंदी है जेड़े वेले मैं कबूतरां नू दाणा सुटना ए अगे आ जांदी है दादी अम्मा ए मेरा काला सियाह चप नी ए शमो दी बच्ची हर वेले ओनू घोट के फड़ लैंदी है हाय हाय पुत्र बड़े नाजुक होंदे ने आराम नाल फड़ी दे ने देखी दादी नू पता है दादी ने आप नी कदी फड़िया नी शमो घोड़े चिट्टी हो गई है हजे तक तेनू अकल नहीं आई दादी अम्मा वेखे कोड़े जिन्नी हो गई है अजे तक इन घोड़ा चलाना ना आया दादी मैं कल ही घोड़े ना खलो के वेखे घोड़े नालों ते मैं इन्नी छोटी हां दादी अम्मा वेख ते सही गोगलू दे मुंह वाला मेनू अख मारदा है हैं हाय तेरा बेड़ा तरे दादी अम्मा अख मारना ते मेरी आदत है वैसे मेरी भैन है अब बख्तू ओए इथे कदा रौला पई ए अपना चाचा जी उस्ताद जी ए जेड़ी शमो दी बच्ची नी हां ओ मेरा कबूतर नी सी जेड़ा खुमरा ओदा सिरा मरोड़ दिता है उस्ताद जी जा जा के टांगा जो कुचार ने मजदूरी कर लिए चल मेरा पुत्र उस्ताद जी आप कोई काम ना करना टांगा जो की तोड़ा फिके खरबूजे अरगा मुंह है और लेके जा बनवाना तो मुंह वाले लानतिया हाय वे मैं सदके जावा मेरा सावल पुत्र लो मां जी मैं टांगा जो के हुन स्टेशन ते चलेया अच्छा। मैं भी कोई मजदूरी कर लवा बिस्मिल्लाह अब पागले तू मेरी भतीजी नहीं मैं तेनू तियां वांगू पालिया है तियां वांगू ऐसी वजह तो ते मेरे पुत्र ने ब्याह नहीं कीता कि जदों तिकर छम्मो दा डोला करो नहीं चुकिया जाना मैं ब्याह नहीं करना है ओ एक वारी मैनू छम्मो दी डोली टोर लैन दे मां ओ फिर मैं अपना ब्याह हो जाए खड़ाका ना करांगा तूतियां वाजे ते ढोल वजणगे बड़ा लंबा ही सफर था यार जिंदगी में कभी मैंने इतना सफर नहीं किया आज तो थक गए हैं हाय सुभान अल्लाह यार शेरशाह सरकार की धरती की क्या ही बात है मुल्तान आया मजा आ गया है यार अपने वतन दी मिट्टी दी क्या बात है सुभान अल्लाह हाय सही फरमा रहे हो बहु कमाल वतन से याद आया अपनी दूहे जेबों पे हाथ रख लो स्टेशन पे जेब कतरे होते हैं यार लंदन में हमारे वहाँ बहुत ठंड थी इधर जब गाड़ी से उतरा हूँ तो बहुत बड़का लग रहा है फिर मैं की करा यार कहीं ठंडी ठार बोतल ही पिला दो तू चल मैं तेनु ठंडी लस्सी पिलाना आओ की मुसीबत है यार तैयार है आओ चूचक तैयारा तैयार है चूचक तैयारा तैयार है सावल मेरा ते एक नंबर है तेरा ते नंबर ही दो है और दिलबरा जीदी सवारी उसे दी मारी उस्ताद जी आ गई सवारी ओ बैजा कोई ना सवारी ओए जिम्मेदार दा पुत्र आई कम कम ओए सवारी नहीं माफी है ते बख्तू ओ बैजा कम कम हां ओ वेरी बैड स्मेल ओए इधर आ जाओ इधर आ जाओ ओ वेरी बैड मैन आंख मारते हो मैं ये गंदे काम लंदन में छोड़ आया हूँ असि एदे च नहीं एदे च बहना है इधर आओ इधर आओ इधर 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 बैठो इधर ओ इधर इधर आओ ना ओ मेरा टॉप तो मुचल मैन अच्छा आ जाओ बैठो बैठो जी बैठो
गई है देसी परियां। ओ सदके जावा चम्मो ते, ओ अज सवेरे सवेरे दीदार करा दिता है। रब कोलो कुछ होर भी मंगदा ते ओ भी मिल जाना सी। ओ चोरा दे आई जी, मेरे ना आंख नीवी करके ते अदब ना गल करया कर। तू जदो भी साडे सामने आनी है तेरा हुस्नो जमाल वेख के असी अपने आप तो बाहर हो जाने। औरत जात ना लैंज गल नहीं करी दी दिलबर, औरत दा एहतराम साडे उत्ते वाजिब है। चम्मो साडे पिंड दा हीरा है बाऊ कमाल। चम्मो ना दिलबर ना, इलाके दे जमींदार दे हुंदिया तू एक कुड़ी ते हाथ नहीं चुक सकदा। तेरिया पंज उंगलां दा निशान सारी जिंदगी नहीं भुलांगा चम्मो। दिलबर ए निशान भुली भी ना, कि ते निशान मैं तेरे दूजे पासे ना पा देवां। ओ मिस्टर कोचवान सवेले सवेले बेइज्जती हो गई है जुले। याद रखी चम्मो, तेनू ए निशान अपने गुलाबी होंटा नाल ही मिटाने पैणगे। हमारा सामान लेके किधर जा रहे हो? तुसी फिकर ना करो, इस सामान में तानू ले आ दांगी। आए सदके जाऊं, ये साथ वाले हिरणी कौन है? चल वे चल अंग्रेजी चूजा, मैं इदां दी नहीं। ए लाली, पिंड दे मुंडे नाल कमांड च की करदी पई से? नहीं नहीं, मैं तो गन्ने चुपन गई सी। हाय सदके जाऊं बिरावो, ये तो गन्ना भी चुप लेती है। ਓ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਲਬਰ ਪੁੱਤਰ, ਓਏ ਖਾਬ ਚ ਡਰ ਗਏ ਹੈ? ਡਰ ਅੱਬਾ, ਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਰ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦਿਲਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਅੱਬਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਲਬਰ ਪੁੱਤਰ, ਓਏ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਬਾ ਸਾਵਲ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਛੰਮੋ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਅੱਬਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਯਤੀਮ ਭਤੀਜੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਛੰਮੋ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਚੁਗੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਹੀ ਠੰਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਲਬਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਬਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੰਮੋ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਖਿਲੋ ਖਿਲੋ, ਖਿਲਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਲਮ ਦੇ। ਸ਼ੁਰਲੀ ਜੀ, ਡਿਸਕੋ ਸਾਹਿਬ, ਅਰੇ ਮਾਰੋ ਇਹ ਕੱਪ, ਉਠਾਓ ਯਹਾਂ ਸੇ, ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਓਲੀਏ ਚਸਕਾਰੀ ਪਰਲੀ ਵਾਲੀ ਚਸੂਲੀਏ। ਵੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਲੋ ਖਿੱਲੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਾਲੀ, ਇਸ ਚਵਲ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੀ। ਚਵਲ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਏ ਡਿਸਕੋ, ਆਈ ਐਮ ਏ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸਰ, ਆਈ ਐਮ ਏ ਡਿਸ ਡਿਸ ਤੂੰ ਡਿਸਕੋ? ਯੈਸ, ਮਾਂ ਫੋਸੀਆਂ ਥੱਪ ਦੇ ਮਰ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਡਿਸਕੋ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇ ਆਕਰ ਚਪਲ ਛੁਅਰ। ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ, ਬਾਊ ਕਮਾਲ ਕਿੱਥੇ? ਵਟ ਬਾਊ? ਕਿਹੜਾ ਬਾਊ? ਆਈ ਐਮ ਐਮ ਬਾਊ,
ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ। ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਬਾਊ ਕਮਾਲ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਊ ਕਮਾਲ ਹਾਂ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੁੰਡੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਖਾਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਏ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਗਏ ਆ ਸ਼ਮੋ ਜੀ। ਹਾਏ ਬਾਊ ਕਮਾਲ, ਤੂੰ ਸ਼ਮੋ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀ? ਮੈਂ ਲਾਲੀ ਕਨੂ। ਬਾਊ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਾ ਕਵੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਬਾਊ ਕਮਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਵਾਚੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਏ ਲਾਲੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸਮਝ ਆਣਾ। ਬਾਊ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖ। ਸ਼ਮੋ ਤੂੰ ਕੀ ਬਿੱਟ ਬਿੱਟ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਊ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਮੋ ਫਿਰ ਆਏਗੀ ਨਾ? ਬਾਊ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਇਹ ਸੂਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਰਪੂਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਾ ਇਧਰ ਸੇ ਜਬ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੁਝੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਜਣਾ, ਅਦਕੇ ਜਾਓ, ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁਝੇ ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਏ ਲਾਨਤ ਪਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਰੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ। ਡਿਸਕੋ ਜੀ ਇਹ ਵਸਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਲੂ ਖੱਲੇ ਨਾ ਖਾ ਗਿਨੇ। ਚਾਲਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਵਜੋ, ਖੱਲੇ ਖਾ ਲੇ, ਖੱਲੇ ਖਾ ਲੇਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ? ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ। ਛੰਮੋ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਬਦਲੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੰਮੋ ਪੁੱਤਰ, ਓ ਦਾਦੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਓ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇਂਗੀ। ਚਾਚਾ ਅੱਬਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ। ਨਵਾਪੁਰ ਅਲੀ 5 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਿਆਨਾ ਭੇਜਣਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਜ਼ਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਭੈਣ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਵੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲ ਹੁਣੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ? ਜ਼ਰੀ ਭੈਣ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੁਦਾਈ 'ਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਮਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਅੰਨਾ ਤੇ ਭੋਲਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਦਾਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਇਹ 12 ਦਰੀ ਸਮੀ ਰਾਵਲ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਕਾ ਥੱਲਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਬਾਊ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਕਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਮੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਾਊ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਠਾਠਾ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ। ਬਾਊ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਦੋ ਨੇ,
पर रूह ते दिल हिक के। मैं जन तो चिट्ठी चार गुणा मैनू तारे देखने आंदे ने।
चाचा अब्बा ते दादी अम्मा दी इज्जत दा ते ला के मैं तेरे नाल प्यार कीता है। जमाओ जवानी दी गर्मी तेनू इन्ना ही तंग करी सी चमो ते मैनू हुक्म करना सी जगीदार दे पुत्र दे नाल मुंह काला करन दी तेनू की लोड़ सी। जुबान संभाल के गल कर दिलबर, शम्मो बहुत इज्जत है ते असी इज्जता दे मुहाफिज हां, कोई लुटेरे नहीं। बकवास बंद कर, बस्ती तो दूर एस बारादरी दे विच केड़ी इज्जत दा तहफुज कर ऐसी छोटे जगीरदारा। शम्मो दिलबर दी जिद ते मेरी इमानत है, साढ़े दोवां दे रस्ते चो हट जा, हट जा। वे चल शम्मो, इस पिंड दी भेड़ बकरी नहीं, जिन्हू तेरा जदों दिल करे तू अगे ला लवे। अज मैं तेनू इथों लैके जावांगा, एदे वास्ते मैनू कोई भी कीमत चुकानी पई चुका देंगा। शम्मो अज तेरा ते मेरा फैसला सांवली करेगा। आए दिलबर तेरी अख दी लाली दस दिए, तेरे दिमाग का मौसम ठीक नहीं। एक मामूली जा टांगा चलाने वाला मजदूर वडिया कंधा दे कारच शहनशाली जिंदगी किवें गुजारे है, ए राज अज पता चलिया। तू की आखना चाहना है? तू जानना भी है ते सुनना भी चाहना सावल। मेरी खुशहाल जिंदगी शरीकां दा दुख बन गई है, मैं इज्जत दी जिंदगी गुजारना वा ते इज्जत दी खाना वा, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस इज्जत दी जिंदगी गुजारना ते इज्जत बेच के जिंदगी गुजारना, जमीन आसमान दा फर्क है सावल। होश कर सावल पुत्र, दिल भर दिया एना गल्ला दा कोई ना कोई मतलब जरूर है। पुत्र तू दस की कहना चाहना है? सावल अपनी भतीजी कोलो पुछ के जिम्मेदार दे पुत्र बाऊ नाल बाग च मुंह क्यों काला करारी सी। बस दिलबर इस तो अगे ना बोली, मैं बाग च मुंह काला करा रही सा या तू मेरी इज्जत दागदार करना चाहता सी? छम्मो चाचा मैं तुहानू सच कह रही हां, दिलबर एक हवस दा जानवर है, जे उत्थे उस वेले छोटा जिम्मेदार बाऊ मौके ते ना आंदा ते मैं किसे नू मुंह वखाण दे काबिल ना रहंदी। ए झूठ मारदी पीए, ए झूठ मारदी पीए सावल। ए वेख जदों मैं बाऊ कमाल नू रोकण दी कोशिश कीती ओने मेरे हाथ ते गोली मार दित्ती। तू सीधी गल क्यों नहीं करता दिलबर कि तू मेरी इज्जत हाथ पाया ते बहु कमाल ने इस वास्ते तेरे हाथ ते गोली मार दी है। बस कर छमो, मैनू सारी समझ आ गई है। आए बेगैरता हाथ भी पाई ते साडी इज्जत नू बाहर निकल जाए, और बाहर निकल जाए बेगैरता, बाहर निकल जाए। ओए मेरी गल सुन सावल, जा बेगैरता। मां जी गल ए कि मैं तुहाडे नाल गल करना नहीं सा चाहुंदा, पर मजबूरी है, मैनू गल करनी पै रही है। कर पुत्तर। ताड़ी पोतरी जगीरदार दे पुत्तर कमाल दे नाल ए गल सारे पिंड च मशहूर हो गई है मां जी, के ओ ओदे नाल प्यार दियां पिंगां पा रही है। तौबा की जमाना आ गया। छमो। जी दादी अम्मा। एथे ही रुक जा, सियानिया आखे के जदो किसान दी फसल पक जावे ते ओनु ओदी राखी जरूर करनी चाहिदी है। सावल पुत्र एस तो पहले कि साड़ी पक्की फसल आवारा पंछी चुग जान, तू एदा पहरेदार बन जा।
मां जी मैं ताड़ा मतलब नहीं समझिया। सावल पुत्र वक्त गुजरन का पता ही नहीं चलिया, साड़ी कुड़ी जवान हो गई है। फैसला करन का दिन आज आया है। आज तो बाद छम्मो करो बार नहीं जाएगी। लाली हम अपनी शादी के बाद कितने बाल जमाएंगे? तकरीबन 150। 150? लाली कोई और माली ताड़। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, एक नू तक हम कोशिश करेंगे। डिस्को जी मेरे एक दो ना गुजारा ही नहीं होना। आए, बहुत कम मेरे पास भी सहारा नहीं होना। आए, अच्छा हम शादी के बाद देखेंगे। हाँ बे दिलबरा, ओ तेरे प्यो बाबे दीने दा की हाल है? ओ खान बहादुर साहब की दसा, प्यो बुढ़ा हो गया, मां मर गई है, ते नाले ओदे कोलो हुन कोई कम भी नहीं होंदा। सारा दिन कार बह के इश्क ते मोहब्बत दे किस्से सुनांदा रहंदा। ओ भाई ठीक है ना, और तू इस तरह कर दिलबर, तू शादी कर ले, और तेरे प्यो नू नौ मिल जाएगी ते तैनु बीवी। ओ खान बहादुर साहब गल तुसी बिल्कुल ठीक आखी है, दरअसल जिस कुड़ी ना मैं ब्याह करना सी ना ओदे नाल तुहाडा पुत्र बाऊ कमाल इश्क दे पेचे लड़ा रहे है। ओए दिलबरा, ओए ए तू की कह रहे है? मैं ठीक कह रहे हैं खान बहादुर साहब, पूरे पिंड च छम्मो ते तुहाडे पुत्र बाऊ कमाल दे इश्क दे चर्चे बड़े मशहूर हो रहे ने। नाले तुहाडी इज्जत पूरे इलाके च असी रुलदे नहीं वेख सकते, ऐ ते बहुत बड़ी बेइज्जती हैगी है। ते ओ भी एक टांगे वाले दी भतीजी दे हाथों। ओहो वड्डियो, ओ रहन दियो, मैं तुहाडे कोलों फिर कदी लै लांगा। ले बे दिलबरा, तू साडी इज्जत दा भाईवाल लग्गा है, तू शहर जाण तो पहला मैनू जरूर मिली। अच्छा अच्छा, रब रखा जी। रब रखा, रब रखा जी, रब रखा। मजे ते मैया उन्ना आंगे। डैडी जान तुसी बगैर इतला दी ते इत्थे आ गए हो। बरखोदार कमाल, असी तैनु यूरोप च आला तालीम हासिल करने तो बाद तैनू पेंडे च इसलिए भेजे सी कि तैनू साडे खानदानी पेशे का पता लगे। जी डैडी जान। ते एदा ए मतलब नहीं कि तू इत्थे आके अपनी उच्ची शानो शौकत भुल के एक टांगे वाले दी धी नाल इश्क शुरू कर देवे। पर डैडी जान मैं कुछ नहीं जानता, मैनू दिलबर टांगे वाले ने तेरी ते टांगे वाले दी धी शम्मो दी सारी कहानी सुना दीती है। ओ सरदार साहब दिलबर कुड़ी का पोतरा है। डिस्को चुप करे ते वापस मेरे नाल शहर चल, तेरी मां तेरा इंतजार कर रही है। आखिर दिलबर ने अपनी कमीनी हरकत वखा ही दीती है। सही कह रहे हो बहु कमाल, ये जितना कमीना मैं दिलबर को समझता था ना, ये दू मील मुझे सोच से भी आगू निकला है। ऐसे मैं भी तुझे रोकता था कि इश्क विश्क के चक्रों में ना पड़ो, अब खुद भी गंदे हुए मेरे को भी करवाया है ना। तू भी तो इश्क करना है ना? हाँ मैं करता हूँ, पर करता यूरोपियन स्टाइल से हूँ। सोने आते बुए अगे असा पा लिए फुलां दी दुकान, सोने आते बुए अगे असा पा लिए फुलां दी दुकान, सौदा बिके ना बिके, सौदा बिके ना बिके, सानू दिस दी नवेगी साड़ी जान। ओ सोने दे बुए अगे असा पा लिए फुलां दी दुकान, सोने दे बुए अगे असा पा लिए फुलां दी दुकान।
ना बेगाना पावे लख समझाए आशक हमेशा काटे खांदे आए अपना बेगाना पावे लख समझाए आशक हमेशा काटे खांदे आए वो सोने अनु वेख वेख के वो सोने अनु वेख वेख के बंदा रहंदा है सदाई जवान वो सोने दे बुए अगे असा पा लईए फुला दी दुकान वो सोने दे बुए अगे असा पा लईए फुला दी दुकान अपने घर चू एक चीज नहीं लैके जान देंगा तेन कानून के हवाले करने तो पहला तेरा चेहरा वेखना चाहना डाकुआ और इसलिए दुनिया ने तेरा ना तो सुने तेरा चेहरा नहीं वेख्या मैनू 24 घंटे अंदर अंदर
ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾਰਾ ਡਾਕੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਦਾਰਾ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਓ ਸ਼ਟ ਅਪ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਓ ਨਾਕੇ ਲਾਓ ਛਾਪੇ ਮਾਰੋ ਉਹਦੇ ਸਟਾਰ ਛਪਾਓ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾ ਤੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ओ पिंड आलियो ओ किदा इश्तिहार लगे ही ओ दिलबरा ओ 15 लाख रुपया इनाम रख दिता दारे डाकू दा गवर्नमेंट ने जिंदा के मुर्दा 15 लाख रुपया इनाम ओए दारे डाकू नु दिलबर फड़ेगा ते 15 लाख इनाम छम्मो नु ओदे हक मैरची देगा ओ मजे ते माइया हुन नानगे कमाल अब्बा जी कमाल हवेली तो बार एक कदम ना रखी तेरी वजह नाल पहले ही ऐसे इलाके साड़ी बड़ी बदनामी होई है सदियां तू कान बहादुर रखवावण वाले ऐसे इलाके दी इज्जत गैरत दे मुहाफिजन ये ना होवे कि साड़ी पग दे वल खुल के लोगों दे पैर च आ जान आज तो बाद मेरे हुक्म तो बगैर एक कदम भी अगर हवेली चुबार रखिया तो मैं तेरा ओ अशर करागा जेड़ा किसी ने नहीं किया होगा चल अपने कमरे शमो ते अपने पुत्र बाऊ कमाल दी प्यार दी कहानी खान बहादुर खान ने हमेशा लई बंद कर दीती है लाली तू ते रात दे सनेरे च किवें आई मैं तुहाडे कोल छम्मो ते बहू कमाल वास्ते आई हां तुसी ओना दोना नु जुदा ना करो बस छम्मो दा मेरे सामने ना ना नहीं छम्मो ने मेरे सिद्धे साधे पुत्तर बहू कमाल नु अपने इश्क दे जाल च फसा के कैद कर ले खान बहादुर साहब प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं तुसी उन दोनों नु जुदा करके बहुत वड्डी गलती कर रहे हो खान बहादुर खान अपने उच्चे मर्तबे ते अपनी उच्ची शान ते आन लई ए गलती जरूर करेगा एक गल मेरी गौर नल सुन लो खान बहादुर साहब जद एक प्यो दे कलेजे नु हथ पवेगा ना कोई जागीर रहेगी ना कोई जागीरदार इश्क पुनन दे बेज अनोखे इश्क पुनन दे बेज अनोखे इश्क पुनन मैं बीच गई विच पे जां पेचां दे विच ऐसी पिची मैनू है च समझ लिया है छोड़ा मेरी जान लग गया विछोड़ा मेरी जान लग गया अख बदलो तो बद मेरी रोई विछोड़ा मेरी जान लग गया विछोड़ा मेरी जान लग गया दिल वाला दुखड़ा किसनु सुनावा दस रब्बा मेरे
चोरा वांगो मेरे कार्य बड़ा है। ਡਾਕੂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਵਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਾਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਸਾਵਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਰਾਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇਈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਸਾਵਲ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲੈਣਾ।
दिलबर भाएं दारा डाकू ते नहीं आया थे? दारे डाकू दा दिलबर दे कार च की काम? ओ इत्थे नहीं आया, तुसी लोग जाओ। सांवल उर्फ दारा डाकू बड़िया लोकां दा कातिल, कई कारां दा लुटेरा, गिरफ्तारी ते 15 लाख रुपए दा इनाम। बहुत वड्डी रकम है। बोल, हकूमत कोलों तेरा 15 लाख लवां या की? या फिर छम्मो मेरी कर दे। छम्मो दा रिश्ता लेन मेरे कार आ जी। छम्मो तेरे आंदे खड़ाक पड़े होंगे। मजे ते माया हों नांगे। मैनू दिलबर साहब होनी भेजा तुहाड़ी खिदमत लई, ओ आप आ रहे ने। ए वेख सावल पुत्र, किड्डी सोहणी चंगेर बनाई है मेरी छम्मो ती ने। मां जी, तियां त्याणियां कम करदियां सोहणियां लगदियां ने। आहो सलाम आखना है माँ जी। वालेकुम सलाम। बैठ जा पुत्र। किवे आए? देर तक एक दूजे को लो दूर रहने गलत फहमियां पैदा हो जांदियां ने। मैं सोचा आज अम्मा जी नू सलाम कर लिए। ए सलाम दे पीछे कोई मतलब ते नहीं दिलबर पुत्र? एक पिंड ते एक जागीरी च रहन वालियां नू एक दूजे नाल की मतलब हो सकदा है? माँ जी, छोटे जिम्मेदार दी अक्ख छम्मो लई कुछ ठीक नहीं लग रही सी माँ जी, ते ए गल मैनू चंगी भी नहीं लग रही सी। पर तैनू क्यों चंगी नहीं सी लग रही? वेखो अम्मा जी, बचपन तो लैके अज तक मैं छम्मो दी बड़ी इज्जत करना वा, ते अज मैं चाहना वा कि छम्मो मेरे घर दी इज्जत बन जावे। दिलबर, तैनू पता है कि तू की कह रहे है? माँ जी, मैनू पता है कि मैं की कह रहा। ते छम्मो नू तुसी बड़े लाड प्यार नाल पालिया, मैनू तुसी ओदे काबिल भी नहीं समझदे। पर एक गल ते दसो, पूरे पिंड च मेरे तो वध गबरू जवान केड़ा है जेड़ा छम्मो दे नाल जचदा होवे? मां जी, दिलबर ठीक कह रहा है, जवान ती कदों तिकर घर बिठाई रखांगे? ओए लड़ाका ते जज्बाती जरूर है पर दिल दा पैड़ा नहीं। और वेखना मां, जे बरादरी चेदे नालो सोना रिश्ता हैगा ते मां तू दस दे। पुत्र, मैं की दसना है? छम्मो तेरी भी ती है, तैनू पूरा इख्तियार है, जो तेरा दिल करदा है कर ले। ले मां, फिर रिश्ता मैनू मंजूर है। दिलबर, चन्न दी 14 नू जंज लेके आ जाई। ओ दिलबर, मजे ते माया हो नानके। पर पाकिस्तान का हाल भी देखो ना, यहाँ पे माँ पियो अपनी बच्चियों पे अपनी मर्जी थोपते हैं। फलां के साथ शादी करो, माँ पियो अपने बच्चों की खुशी को देखे कि जहाँ बच्चा खुश हो बच्ची खुश हो शादी उधर होनी चाहिए। तू सादा मेरे नाल की वो Thank you.
ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਉ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਮੋ ਐਸਾ ਵਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਸਾਂਝਾ ਬਾਉ ਸ਼ਮੋ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਉ ਬਾਕੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਉ ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਪਏ ਤੂੰ ਬਾਉ ਕਮਾਲ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੇ ਸ਼ਮੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਚਾਚਾ ਸਾਵਲ ਤੇ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੌਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਚੰਮੋ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਲਬਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੀ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਲਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਚੰਮੋ ਵਾਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੰਮੋ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈਏ ਪੁੱਛ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂ ਦਿਲਬਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਮੋ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਸਾਈ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸ਼ਮੋ ਨਾ ਸਾਵਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਾਇਆ ਕੀ ਆਖੀ ਕੀ ਆਖੀ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਖ ਸ਼ਮੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਤੂੰ ਦਾਰੇ ਡਾਕੂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਦਰਅਸਲ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਦਾਰਾ ਡਾਕੂ ਹੈ ਚਾਚਾ ਸਾਵਲ ਦਾਰਾ ਡਾਕੂ ਦਿਲਬਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਆਦਤ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਨੀ ਬੈਠੋ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਭਰਾ ਸਾਵਲ ਨਾ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਸਾਵਲ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਆਇਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਸਤੀ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਰਾ ਸਾਵਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸ਼ਮੋ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਵਲ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਲਈ ਭਰਾ ਸਾਵਲ? ਅਸੀਂ 13 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗੀਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸੋਚ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਛੰਮੋ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਲਬਰ ਨਾਲ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਵਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਾਹ ਚਾਚਾ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛਮੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਬੜੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਂ ਤੇ ਅੰਮਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਿਓ ਪਿਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਛਮੋ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਚਾਚਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਛਮੋ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਕ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹੁ ਕਮਾਲ ਪਾ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਬਹੁ ਕਮਾਲ ਪਾ ਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਛਮੋ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਮਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਰਤਬੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਵਲ ਟਾਂਗੇਲੇ ਦੇ ਘਰ ਛੰਮੋ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸਾ। ਸਾਵਲ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਵਲ ਤੂੰ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਬਸਤੀ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੰਮੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਾਵਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਛੰਮੋ ਧੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਵਲ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹਾਂ ਹੈ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਬੋਲ ਸਾਵਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਓ। ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ? ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਵਲ? ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੜੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਹਦੇ ਮੁਕਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾਂ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸਾਵਲ। ਕਮਾਲ ਛੰਮੋ, ਤੇਰੇ ਆਣ ਦੇ ਖੜਾਕ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦਾਂਗੇ। ਆਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਲਬਰ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੰਮੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਬਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜੈਲਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਓਏ ਓਏ ਓਏ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੈਲਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਓਏ ਸੜਦੀ ਓ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ। ਓਏ, ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਯਤੀਮ ਭਤੀਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਸਾਵਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਝੁੱਡੂਆ ਧੋਖਾ। ਓਏ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਏ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਬਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਅਮਣੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਨੀ ਬਹੁ ਕਮਾਲ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਹੀਓ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿ ਰਜੀਮ। ਥਾਪਾ ਨਿਕਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਓਏ ਮੌਲਵੀਆ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਨਿਕਾਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਕਮਾਲ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਦਿਲਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਵਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਝੂਠੇ ਬਰਾਤੀਓ। ਸਾਵਲ ਸਾਵਲ ਨਹੀਂ, ਦਾਰਾ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਲਬਰ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਡਾਕੂ ਹੈ? ਮਾਂ ਜੀ, ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਵਲ ਪੁੱਤਰ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਰਾ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਰਾ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਰਾ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਰਾ ਡਾਕੂ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਮਾਂ, ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਛੰਮੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਾਦਾਰਾ ਡਾਕੂ, ਮੈਂ ਯਾਦਾਰਾ ਡਾਕੂ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਚੁੱਪ ਹੈ ਡਾਕੂਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੁੰ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਡਾਕੂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਮੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਓਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਫੜਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਲੈ ਜਾ। ਧੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਮੁੰਡਿਓ। ਭਾਬੀ,
मेरे बंदे का फोन आ गया, वो कहंदा पाकिस्तान किन्नी देर तक रहेंगे, हुण दसो मैं ते जाना ही है ना। तू रहन दे, मैनू ते लगदा कि उहदा फोन कोई नहीं आया, तू आप ही जाना चाहनी है। नहीं भाभी, उहदा वाकई फोन आ रहा है, हुण मैं की कर सकनी हां। मैं तेनू इथों नहीं जान दांगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। बह जाओ, संभाल अपने पुत्र नू, मैं नू लेते आया वा, पर एदी जेनी हालत दुरुस्त करना तेरी जिम्मेदारी है गुलशन बेगम। मैं बहुत थक गया वा, मैं बेडरूम में आराम करने जा रहा वा, ते मेरी आके गल सुन। की हो गया तेनू स्वीटहार्ट, तू पिंड जाके एक मामूली टांगे वाली दे इश्क च गिरफ्तार हो गया, व्हाट अ जोक यार। ताडे वास्ते मजाक है, पर शम्मो मेरा प्यार है। लव प्यार जवानी च करना चंगी गल, पर सीरियस होना चंगी गल नहीं है, ओ भी एक टांगे वाली नाल। कमाल खेडो ते भूल जाओ। मैं एक जागीरदार दा पुत्र हां मांजी, किसी दी जवानी नाल खेडना मेरी फितरत च शामिल नहीं। माय सन, तैनू यूरोप च तालीम दुआन दा मकसद ही इहो सी कि तू नवी दुनिया दी जिंदगी तो आशना हो जाए। वे तेरियां सोचां इन्नियां महदूद क्यों ने? मां जी, मैनू नवियां सोचां ते यूरोप दे स्टाइल दी जिंदगी नहीं चाहिए। जे मैनू मेरा प्यार ना मिलिया ते मैनू कुछ नहीं चाहिए। सावल दे कार नू ताला, ए शम्मो किथे चली गई है? दिलबर पुत्र, और शम्मो तेरे नसीबा च नहीं, लगता तू ओदे आसे मनूस है कि ओ तेरे आसे मनूस है। ओए अब्बा, ओ मैनू ते लगता तू मेरे आस्ते मनूस है, ओए तू मरेगा ते शम्मो मैनू मिलेगी। अ की बकवास कर रहे हैं। ओए चाचा। हां जी। सावल दे कार नू ताला लगा है, ओए तेनू पता है शम्मो किथे हैगी? ओ कार छड़ के शहर चले गए ने। अल्लाह, ओ शहर पहुंची। शमो बेन, टांगे दी फट्टी कोई नहीं ते पुलिस वाले पकड़ के टांगा घोड़ा गेन गए। मैं वंज के टांगे घोड़े दा पता करे ना, तू शाह रुकने आलम सरकार ते वंज के दुआ मांग। ठीक है लाले। ओ मुर्शिद साईं आए, मुर्शिद साईं, की हाल है पीर साहब? जी आया नू खान बहादुर साहब। शुक्रिया पीर साहब, ठीक हो ना पीर साहब? ठीक ठाक खान बहादुर साहब, तुसा हर साल दरबार शरीफ ते आंदे हो ते आके साडा मान वधांदे हो, तुहाडे आउण दा बहुत बहुत शुक्रिया खान बहादुर साहब। पीर साहब, ए दरबार ते हाजिरी देना ओ साडी ड्यूटी है, सरकार इहदे विच शुक्रिया लई गल केड़ी? कमाल पुत्र, तेरे चेहरे ते परेशानी दे आसार क्यों ने? पीर साहब, एनू इश्क दी बीमारी लग गई है। खान बहादुर साहब, रब नाल इश्क करना या ओदे बंदियां नाल करना अल्लाह दी शान है। तुसी तशरीफ रखो, असी इस साल इंडिया तू कवाली वास्ते नूरा सिस्टर बुलाई। ओए दराज चुमर खान। ओए ओ छप्पड़ गुल्ले। जी मैडम। मैं नहीं सद्या, इन्हें सद्या। ए मेनू कोई नसवार खान लगदा ही। ओए दस, बहु कमाल नु जानना है? बहु कमाल ओ मेरे यार है, यार है? और जानी जिगर है। हां यार है? बिल्कुल। हाय बत्तू। सानू बहु कमाल नु मिलवा सकना? क्यों नहीं मिला सकता हूं, आ जाओ अभी मिलाता हूं। पिछू बाओ, चलो आ जाओ। टिक टिक टक टिक टिक टक टिक टक नसवार खान, ए
फिर आन जगह से टांगा क्यों रोकी? टांगा इस वजह से रोका है कि कमाल का घर आ गया। हाँ, अभी तुमको बताता हूँ। ओए, ओए, ओ सिटी खान, ये सीटियां क्यों मार रहे हैं? ओ देखो, चंगा मशूक है, आज राती असी वावा मौज मेला करांगे। तुसी मेनू नहीं जान दे, मेरा नाम है शमो टांगे वाली, जो तुसी चाहते हो नहीं हो सकता, शमो मरते सकती है। थानेदार साहब, असी बाऊ कमाल नू लभदे फिरदे सी, ते बदमाश सानू घेर के इत्थे लै आए ने। ओ नंबर औरतें, धंधा भी करनी है और दत भी करनी है। इंस्पेक्टर सुल्तान को लो, आज तक कोई बच के नहीं गया। तेनू बड़ा चा है कुड़िया दे कोल बैन दा, आ वेखो ना जरा, अब बैठी जोड़ी इंज लगन रही है चंगड़ भैन ना फोड़ो खजाउन दिया। अ थले बह, तेनू मैं कर ला वटर है। तेरा बेरा तरजे मुंडा दे बड़े कम दा, मैं कही इधर टको। अख मेरी मस्तानी गल मोतिया दी कहानी, ते लग रे शमदा लहंगा दर्जी ने सीता महंगा चंग। सर, इन्हों दोनों ने कुछ दसिया? ए साहब जी, मैनू बड़ा खतरनाक जा मुजरम लगदा मैनू। इस कुड़ी दे बारे तेरा की ख्याल है? ओ साहब जी, ओ बड़ा नेक ख्याल है जी। टांगे वाली, ते अद्धी रात नू जेड़े मिशन ते सड़कां ते गश्त कर रही सी। थानेदार साहब, मेरा ना शम्मो है, ना मैं झूठ मारनी है, ना मैं डरनी है किसी को। मैं बस्ती नूरपुर तो आई हूँ वड्डे जिम्मेदार दे पुत्र नू लभण, बाऊ नू। बाऊ कमाल खान बहादुर, वड्डे जिम्मेदार साहब दा पुत्र? इन्हां दी सारी कहानी मैं समझ गया जी सरकार। इन्हां दोनों नू हवाला च बंद कर, वड्डे खान बहादुर साहब नू फोन कर। खैरते है, क्यों परेशान हो गए हो? कमाल दी मां, परेशान किवें ना होवां, साडा कला कला पुत्र कमाल है, उन्हें साड़ियां रात दियां नींदरां ते दिन दा उन्हें चैन गवा दिता है। पता नहीं वो शमो टांगे वाली ने उहदे ते केड़ा जादू कीता जिहड़ा उहदे इश्के चों नहीं निकलदा पिया। हैलो ठीक है मुंशी साहब, मैं आ रहा वा। ओए, तानू वड़े साहब बड़ा याद किया, चलो बार। यार ए वेला नहीं एहो जिहा कम करने वाला, साहब को टाइम को नहीं, छेती बुलाया, चलो तुहानू भी साहब बड़ी बुला देने। आयो मेरे पिछे पिछे आयो। तो ऐथे भी पहुंच गई है खान बहादुर साहब, ए थोड़ा ते थोड़े पुत्र दा बार बार ना लै रही सी, इस लई थानू थाने आवन दी जहमत दित्ती है। इंस्पेक्टर साहब, ए ओही बदबख्त है जिन्हें मेरे पुत्र बाऊ कमाल नू अपने इश्क दी बुक्का लेच गिरफ्तार कर लिया है, ते ओदा चैन ते करार
लट लिया ते हुण सारे घर दा चैन ते सुकून बर्बाद करने वास्ते शहर भी आ गई है। तुसी हुकम करो खान बहादुर साहब, इंदे दे डकैती ते चोरी दे इन्ने क परचे पा देंगा कि सारी उम्र जेल तो बाहर नहीं आवेगी। बोल शमो की चाहनी है? जिम्मेदार साहब मेनू काले पानी दी सजा दे दियो, दुनिया जहान दे जुर्म मेरे ते पा दियो, मेनू मौत दी सूली ते चढ़ा दियो, पर मेरी एक गल मान लो, बाऊ कमाल नू मेरे सामने खड़ा कर दियो, उदे सामने मैं दुनिया दा हर जुल्म हस के सह लांगी। मेरे पुत्र बाऊ कमाल दी जिंदगी चो निकलन दा की बदला मंगनी है? बाऊ कमाल दे बदले बाऊ कमाल ही मंगनी आ। खान बहादुर खान साहब इन इंज बाज नहीं आना जे, मैं अज ही SP साहब दे सामने पेश करके इनू धंधा करन वाली औरत साबित कर देंगा। ना थानेदार साहब ना, बस सिर्फ इना करो कि ए शहर रहने ते पाबंदी ला दियो, और जिथे पूरी दुनिया घूमती रवे पर इस शहर नजर ना आवे। वाह चौधरी साहब वाह, अपने पिंड दी धी भैन दे खिलाफ फैसला सुनाण दा बहुत बहुत शुक्रिया। याद रख शमो, ए एक जागीरदार दा नहीं एक प्यो दा फैसला है। अगर मेरे अंदर दा जागीरदार जाग पिया ते फिर जागीरदारा दे फैसले जुल्म ओ सितम दियां मिसालां मावां अपनियां धीआं नूं सुणाउणगियां। साहब का फैसला तुसी सुन ही लिया है, 2 घंटे के अंदर अंदर मुल्तान शहर नू छड़ दियो, जे तुसी ना गए तो सुल्तान खान नू तुसी जान दियो। भगतू मैं बाऊ नू लब्बे बगैर इथों नहीं जावांगी, क्यों ना ओदे बदले मैनू अपना भेस वटाना पवे।
घंटा घर जाना ही। अम्बा जी घंटा घर जाना? घंटा घर ते असी हर घंटे बाद जा रहे हैं। आओ बुड्ढी नु अख मारना है। अम्मा जी, मैं तेरे तो बड़ी तंग, अल्लाह करे तू टांगे थले आवे, मैं तुम्हें सोच लिया, मैं दोवे अखां बंद करके सवारी चढ़ावांगा। चल ते सही, मैं तेनू दसना वा हुसैन चौक जाना ही जवाना। ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਚੌਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਓ ਬਵੋ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਚੌਕ ਜਾਣਾ ਬਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੂਚਕ ਤਿਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਂ। हेलो, कैसी हो आंटी जरी? आप कैनडा से कब आई? एक माह हो गया। खाला मॉम, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आप मुझे एयरपोर्ट से लेने क्यों नहीं आए? ओ मेरी जान, तेनू ते पता है ना कि मैं इत्थे पार्टी च कितनी बिजी रहनी हूँ, छोटी मोटी गल नू माइंड नहीं करीदा। चला अंदर, कमाल तेरा इंतजार कर रहे हैं। कमाल अपने कमरे चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। आजकल कमाल अपने आप इच कोई नहीं। शकीला, तू ओनू अपना कमाल वखा के लाजवाल कर दे। कुछ बदन नंगे भी बहुत खूबसूरत लगते ने मिस्टर कमाल। साढ़े माशरे चे नंगा बदन फिरन वाले नू पागल कहंदे ने मिस शकीला। बंदा पागल हो ही जांदा है मिस्टर कमाल, अगर कोई पागल करने वाला होवे ते। मैं तुहाडे कोलों माफी चाहना वा शकीला, ना मैं पागल कर सकना वा ते ना मैं पागल बन सकना वा। इस मस्त हसीना कोलों बच के किथे जावेंगा स्वीट बॉय? हाजी ताजा कुमार, हाजी ताजा कुमार भाई, ताजा कुमार ए, हाजी ताजा कुमार आ गई भाई, ताजा कुमार। देख राजू राकट, तू भी इस शहर का एक नंबर बदमाश है, ते साडा टांगा भी इस शहर का एक नंबर टांगा है। केवे तेन टाइम ते पचा दिता है? वाह तेरा चूचक तियारा, सानू इंज टाइम ते लेके आया है जिवें शाली मार दी गड्डी टाइम ते लेके आंदी है, खुश कर दित्ते ही है। ले रख ले। ना राकट साहब ना, ये पैसे रखो तुसी अपनी जेब विच, उन्हें पैसे दी कदर नहीं कीती, हमेशा मर्दा दी कदर कीती है। ओ मेनू ते लेन दे। छड़ो छड़ो राकेश साहब छड़ो, ए ए पागल दा पुत्तर है, अख मारदा है। छड़ो खैर है, एदी अख मारन दी आदत है। आदत है, आदत है। गल्लां ते तू वड्डियां वड्डियां करना है, ना तू कुड़ी लगना है ते ना तू मुंडा। मजे ते माया ओ नानगे, ओ साडा यार दिलबर आया। ओदी कॉल चला देंगा। नहीं ओ सजनो, असी हाले मौत दी कॉल नहीं चलानी, असी मौत दी कॉल उस वेले चलावांगे जदो छम्मो साढ़े हाथ च होवेगी। ए छम्मो कौन है? जिदी खाते दिलबर शहर आया है,
ते शम्मो भी ऐसे शहर जिएगी। ओ दिलबर यार, ओ शेर भी एथे, ते शिकारी भी एथे। शिकारी पूरे शहर च जाल बिछा के बैठा। कहानी ते तेरी बड़ी मजेदार है दिलबर, पर शर्म सारी दी गल्ले, एक रन तेरे काबू नहीं आई। शम्मो रन नहीं, मर देगी राजू राकेट, मर देगी ये। ओए औरत जिन्नी भी मर्द बन जाए, ओए जमती ते बाली है ना, ओए होंदी ते गोता लिए ना। मैनू पता चले है कि शम्मो है शहर च गुत्त लपेट के मर्द बन के टांगा चलांदी पई है। की आखे ही? शम्मो मर्द बन के टांगा चलांदी पई है। तू ओनू किधरे वेखे? जे मैं भुलदा नहीं, स्टेशन ते जेरा सोना मुंडा वेख्या सी, किधरे ओ शम्मो टांगे वाली ते नहीं? तो फिर छेती नाल मैनू भी ले चल उते, मैं भी वेखना चाहना किधरे ओ शम्मो ते नहीं। राजू, शम्मो दा कुछ पता चलिया? नहीं दिलबर, सारा शहर छान मारे पर वो नहीं लभी। शम्मो, तू जमीन दिया सत्ता तैवां च भी वड़ जाए, दिलबर तेनू उत्थों भी कढ़ के ले आएगा। हाथ ना छुड़ा मैं तो बेदर्दा।
पागल यूरोप दी एजुकेटेड कुड़ी दी तोहीन कर दी है। संभाल के रख अपनी ऐसी औरत दी तलवार नू। मैनू सिर्फ इना पता वे कि मर्द नू हासिल करन वास्ते औरत नू हया दे पर्दे च रहना चाहिदा है। कमाल, तैनू शकीला चंगी नहीं लगदी। बस करो खाला, किसी भी शख्स नू ए जरूरी नहीं कि उनू कोई खूबसूरत लगे या ना लगे, पर ए जरूरी है कि मर्द नू मर्द होना चाहिदा है। करे साडे कोल दूरियां ते लोकां नाल प्यार, तैनू इंज नहीं ठांदी यार, तैनू इंज नहीं ठांदी यार। करे लोका कोल दूरियां ते साडे नाल प्यार। ओए पत्तू, दस शम्मो किथे वे? लाला दिलबर, शम्मो तो मैनू नहीं पता, मैं ते आप ओनू सवेर दा लभदा फिरदा। बकवास बंद कर, चम्मो दा दस नहीं ते मैं तेरी शरक वड़ देंगा। मैनू चूचक त्यारे दी कसम है, मैनू शम्मो दा नहीं पता। ओ शम्मो किथे वे? ओ दस शम्मो किथे वे? अंदू डेरे ते लेके चलो, तोते दी तरह उथे बोलेगा, मोदी काल चला लांगा मोदी काल। चल ओए अगे लग। जान, अब हमारा कोर्ट मैरिज हो गया है। अब मैं तुझे लेके जा रहा हूँ अपने होम, वहाँ पे हम मनाएंगे हनीमून। डिस्को ते लाली तू? ओ, व्हाट इज दिस? इसने मेरा गाना सुना होगा, शम्मो। जानू, ये शम्मो शहर में आके यहाँ जवान बन गया है। मैं तुम्हें इधर नहीं रहने दूंगा, यहाँ तुम्हारी चीजें बाहर आ जाएंगी। शम्मो बाजी, शम्मो बाजी, तेरी अखिये चू हंजू। डिस्को, राजू राकड़ ते दिलबर
बख्तों कुछ आगन। बख्तों कुछ आगन? कोई गाल नहीं शमो बहन, आपा बख्तों को लाभ गिनसू। ओए दस शम्मो किथे वे? पहलवान जी मैं कुड़िया दी दुकान खोली हुई है। तू एवे नहीं मनेगा। बस दिलबर बस, हो सकता है नू ना पता होवे। मैनू शम्मो चाहिदी है, शम्मो चाहिदी है राजू। एक बारी ओ मेरे सामने आ जावे, ओनू पिंड ले जाके सब दे सामने ओदे नाल निकाह करांगा। ओदा नक वड़ देंगा ताके बस्ती आलू पता चले कि दिलबर नाल बेवफाई करन दा की अंजाम होंदा है। तू टेंशन ना ले छम्मो, इस शहर विच डिस्को दे जानन वाले वड़े वड़े अफसरान ने, अपा उन्हां नू मिलके बख्तू दा भी पता कर लांगे ते दिलबर नाल भी निपड़ लांगे। लाली बख्तू पता नहीं केड़े हाल च होएगा, ओदे बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकदी। ओ मेरी जिंदगी दा साथी है, मेरा भरा है। माई स्वीट सिस्टर डिस्को, बहु कमाल किथे? मैं सब तो पहले बहु कमाल नु देखना चाहनी। शम्मो, बहु कमाल ना अपनी यूरोप वाली कजन शकीला के साथ सेट हुआ पड़ा है। शकीला? ये कौन है? शम्मो बाजी, शकीला जो है ना यूरोप की वो मॉडर्न तितली है और बहु कमाल की वही छिती आशिक है और वही वछेर रन है। फिकर ना कर छम्मो, असी उस पुंडे आशक कमाल दा भी बंदोबस्त कर लांगे ते तेरे वीर नु भी मैं छड़ा लांगी। ओए ओ नूरे मुसल्ली दे पुत्तरा, सिगरेट ते सीधा ला। मैं ना, मैनू पता है मैं पुट्ठी लांदा पिया। ओए ओ मैनू ते कश लवा। ए तेरे पीन दी नहीं। मेरी पैन मेनू जल्दी छुड़वा। केड़ी पैन याद आई? ओ तू तो चुप कर मरे मुर्दे खान वाली बला। एथे पैना काम नहीं आंदियां, ए राजू राकर दा डेरा है। ए मगर मच्छा ए सीधा या ए मसली दे पुत्रा, खोल बख्तू नू। ए ते मर गया लांती दा पुत्र। मर गया मरदूद ना फातिया ना दरूद। चल मेरी पैन चलिए। लाली अज तू ना आंदी ते बख्तू ने नहीं सी छुटना। चल चलो वीर जी। चाचा सावल, तू? अरे बख्तू, तू ते थे? हाँ उस्ताद, दादी अम्मा मर गई है। दिलबर ते डर तो बस्ती छाड़ के शहर आ गई है ते दिलबर ओदा पीछा करना करना शहर पहुंच गया है। उस्ताद जी किते ना होवे के साड़ी शम्मो नू ओ दिलबर कतल कर देवे। उस्ताद कतल कर देवे। नहीं नहीं मेरी शम्मो कोई नहीं मार सकता, नहीं मार सकता मेरी शम्मो, और मेरी शम्मो नहीं मार सकता। राजू राकट ते दिल पर किथे नहीं? राजू ते दिल पर शमो लपड़ गए रे। इधर मारे दारा डाकू बाहर आ गया है। हुन कोई भी बेगैरत शमो दे पैरा दी मिट्टी नहीं छू सकता।
दिलबर तू तेरी जुरत की हुई साढ़े घर तक पहुंचन दी। छोटे जिमीदार साहब सलाम आखना, मैं बड़ी कोशिश की थी के एक कोचवान ते जिमीदार दे दरमियान एहतराम दी दीवार कायम रहे, पर शायद कुदरत नू ए मंजूर नहीं सी। ए कौन है कमाल? बंदा ना चीज नू दिलबर कहंदे ने। तुसी इस कार दे विच छम्मो टांगे लई ते बड़ा ना सुने होना है। मैं उदा मंगेतर आ। अच्छा ते ए वे छम्मो दा मंगेतर ते तेरे प्यार दा दुश्मन? वैसे है बड़ा हैंडसम। अगर छम्मो दी जगह ते मैं भी होंदी ना ते एनू कदी ना छड़दी। दिलबर यार की गल है, आपस ही गल्ला करी जान दे ने, साडी गल सुनदे ही नहीं पे। लगता है ते मोदी कॉल चलानी पड़ेगी। राजू राकेट, जेड़ा बंदा गुड़ खा के मरे ओनू जहर देने की लोड़ नहीं होंदी। दिलबर तेरा साढ़े घर तक पहुंच जाना बड़ी जरूरत वाली गल है, अपने आन का मकसद दस। खान बहादुर साहब छम्मो कित्थे वे? छम्मो इस घर का मुकद्दर कोई नहीं। सारा शहर जमींदार साहब ताड़ी इज्जत करता है, तो छम्मो साढ़े यार दी मंग है। असी अपने यार दी मंग दी खातिर कुछ भी कर जावांगे। जवाना वक्त आया तो तेनू पता लग जाएगा खान बहादुर अली खान अपनी इज्जत वास्ते की कुछ कर सकता है। चंगा लगा है यार। रिस्को पता नहीं बाऊ कमाल मेनू मिलेगा भी या नहीं। आज के अखबार में ना दो खबरें छपिया है। की खबर है? बहु कमाल दी भी कोई खबर है डिस्को? हाँ, पहली खबर तो ये है कि दारा उर्फ सांबल डाकू पुलिस की हिरासत से फरार हो चुका है, भाग गया है। चाचा अब्बा फरार हो गया? होनो मेरे तक जरूर पहुँचेगा, शुक्र है अल्लाह। और दूसरी खबर ये है कि आज रात क्रिस्टल हॉल में बहु कमाल की कजन शकीला का डांसिंग शो है। आई एम ए डिस्को डांसर और बहु कमाल वहाँ पे जरूर आएगा। बहु कमाल उठे आएगा? फिर तो मैं जरूर जावांगी। हेलो अंकल। हेलो खाला मॉम। सॉरी मैं लेट हो गई, दरअसल मेरी डांस पार्टी थी और आने वाली डांस पार्टी के लिए अपने दोस्तों को इनवाइट कर रही थी। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम इज नो प्रॉब्लम। ओह एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, कल की डांस पार्टी में कमाल और आप जरूर आएंगे। अंकल आप आए या ना आए? स्वीटो तू जा, सो थक गई होगी डांस कर करके। बाय अंकल। गुलशन बेगम किन्ने शर्म वाली गल है कि हुन जिम्मेदार दिया तियां ते पैना सरेआम क्लब च लोगों के सामने नचण।
बस की कर दी पिए तू? शकीला मेरा नाम है ते शकीला नु जिंदगी च जेड़ी चीज पसंद आ जाए वो शकीला दी हो जांदी है। होश कर शकीला, बाहु कमाल ते ओदी मां ते मौजूद है कि नहीं? तू ओना दी नजरां च टगे दी हो जाएगी शकीला, टगे दी। अगर बाहु कमाल शमो दी खातिर मेनू डिग्रेड कर सकदा है ते मेनू भी पूरा हक है कि मैं अपनी रातां दा तेनू हम सफर बना लवां। शकीला मैं सोच भी नहीं सकती सी कि तू इन्हें छोटे ते कटिया दिमाग दी मालक होएगी। तेरा पुत्र एक तंगे वाली नाल प्यार करता है ते ओ इश्क है। अगर मैनू कोई पसंद आ जाए ते कटिया गल है, मैं मॉडर्न लड़की है, मैनू ये गल पसंद नहीं। असी जिम्मेदार लोग अपनी औलाद नू यूरोप तालीम दुआन वास्ते इस वास्ते भेजने हैं कि वो आला मियार ते मजबूत किरदार दे मालक होन। ऐदा मतलब है नहीं कि बेहयाई दा सबक पढ़ के तेरे जिया तियां साडे खानदान दी इज्जत नू दाग लावन। मैं अज तो इस नासूर नू अपने वजूद तो खत्म करनी पईयां। मैं तेरे नाल अज तो अपने पुत्र दा रिश्ता खत्म करनी पईयां। तू की खत्म करनी है? मैं आप खत्म करनी है क्योंकि मैं यूरोप जा रही हूं। बाय। शुक्र है मगरों ले गई बला। राजू चम्मो नु चुक के मैं तो पिंड ले चलिया। उन मैं पिंड वालियां दे सामने चम्मो नाल निकाह करूंगा। सावल चाचा दिलबर ने शम्मो नु चुक लिया है ते ओ ओनु लेके पिंड जाएगा। आज मैं दिलबर दी इट नाल इट बुझा देंगा। अथे मर गई। पिंड आलियो दिलबर शम्मो नु वापस पिंड सावल दे घर ले आया है। जेड़ी बाहु कमाल दा इश्क ते साड़ी इज्जत है। जेड़ी बाहु कमाल दी ते नहीं हो सकी पर अज दिल भर दी जरूर होके रहेगी। ओए मौलविया इधर आ बह जाओ ते। मौलवी साहब निकाह शुरू करो। बस कर दे दिलबर, यह निकाह नहीं हो सकता। बाहु इधर मरनी छोड़ दिलबर। आज दिलबर दे अंदर दा दिलबर पागल हो गया। तू मेरी इस गल च ना। असी इस इलाके दे जागीरदार हां ते जागीरदार अपनी मिट्टी दी खातर मरना जानने हां। शम्मो इस मिट्टी दा खमीर है ते ए साडे प्यार दी खुशबू है। ओ बहू तू एथों निकल जा। ओ तू निकाह पढ़ाने वाली गल कर, इंदे नाल मैं आप निबड़ लांगा। मोदी काल चला देंगा का। चाचापा आज भी सावल जिंदा है दिलबर। हालात ने मैनू दरा डाकू बना दिता सी पर अज भी मेरी गैरत जिंदा है। सोना दिलबरा तान बहादुर नू पता ही अज लगा है कि सावल डाकू होने के बावजूद गैरत मंद है। तू साड़ी बस्ती का
और सब पे सब जिन्हों इस बस्ती में जिंदा नहीं रहना चाहिए। तेरी अखीर हो गई है। चलो ले चलो चाचा। ले छमो तीए, मैं तेरी जिंदगी दे सारे कंडे चुग दिते ने, हुण जीउंदी रहो, मौजा मान, साडा अल्ला वारस है। ऐ वेखो चौरी साहब, छमो मेरी तीए, रब दा वास्ता जे इनू अपनी नौ बना लेना, नौ बना लेना। सांवल, शम्मो मेरी नौ ही नहीं, मेरी तीवी है, तू बेफिकर हो जा। जन तो चिट्ट